हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाल बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी खबर गुड़ को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेब आसतु जाने कौन से ही गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेब तापूर्वर आपंक अनुरोध अटे जदि आपंक भिडियोटी भल लगे आपड़ लाइक करने सहित भिडियो को अधिक रू अधिक सेयार करेंगे। या सहित यह लाटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेब आसतु आरंभ कर आज खबर अभियान। तेब प्रथम बड़ खबरटी हो आज राति आरंभ होगा जाऊँ 14 दिनिया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट पलटि राज्यर 4 जिला और गोटे महानगर निगम आज राति 9 ठार लागू हो 14 दिनिया लॉकडाउन। गंजाम खोर्धा कटक और जाजपुर जिला सहित राउरकेला महानगर निगम दिनक दिन कोरोना बेकाबू होबार लगी कटक लागू करने को घोषणा कर राज्य सरकार। तेब यह 14 दिन लॉकडाउन कटक आज राति 9 लागू हो जुलाई 31 तारीख मध्यरात्र पर्यंत बलवत्तर रही समय लोकंर जास बंद अत्यावश्यक सेवा को छाड़ी समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान ऑफिस और अनुष्ठान बंद रीर पर तेजराती दुकान आदि सका 6 दिन गोटाए जाए खोला रही 4 जिला और राउरकेलें 14 दिन लॉकडाउन थे सप्ताहत सटडाउन कटक लागू होना। तेब बाकी समस्त जिले में सप्ताहत सटडाउन लागू हो तेब लॉकडाउन समय भुवनेश्वर कटक भितरक जरूरी कारण नथिले कौन गाड़ी छोड़ तेब राज्यर अन्य सब जिले में कोरोना उद्वेगजनक स्थिति में पहुंची नथिबा बेले एही 4 जिला और राउरकेला महानगर निगम स्थिति अणायत होबार लागिछे। तेणु यह 14 दिनिया लॉकडाउन समय व्यापक मात्रा रे सर्विलांस और टेस्टिंग करा जिबो। तेणु संक्रमण रोकिबा को हेले एही लॉकडाउन कटकणा मानिबा को मुख्य शासन सचिव जनसाधारण मानकु अनुरोध करिसेंति। तेबे जेउ माने एही कटकणा उल्लंघन करिबे आईन अनुसार सेमानकर विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबो बोली कहिसेंति मुख्य शासन सचिव। ते परवर्ती खबर टी होची आसंता 2 दिन राज्य रे सामान्य वर्षा हेबो। आज राज्यर विभिन्न स्थान में सामान्य मध्यम धरणर वर्षा हो जाए आसंता 2 दिन पर्यंत यह जारी रहिबो। तेबे आसंता 20 तारीख आड़क वर्षा टिके बढ़ी पारे बोली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना मिली। तेबे केन्द्रर निर्देशक एचआर विश्वास कहते आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में अधिक वर्षा होबार संभावना नहीं। तेबे 17 तारीख दिन दक्षिण आभ्यंतरण जिलागुड़िकर किछि स्थान और 18 तारीख दिन दक्षिण उपकूल जिलागुड़िकर स्वल्प वर्षा हो पारे। कटक और भुवनेश्वर आसंता 24 घंटा पर्यंत पाग मेघुआ रहिबो। गत 24 घंटा मध्यरे नवरंगपुर तेंतुली खुंटी में सर्वाधिक 49.0 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हो। तेब 6 जिला जथा पुरी खोर्धा जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक और बालेश्वर जिले में प्राय 20% नियंटिया वर्षा होता जमापड़े। तेब परवर्ती खबर टी राज्य आरंभ होगा जाऊँगी टेली मेडिसिन सेवा कहले स्वास्थ्यमंत्री। एणिकी डाक्तरखाना न आसी टेली मेडिसिन सेवा जरिया रोगी डाक्तरों सहित परामर्श करें। राज्यर कोविड कटका परिस्थिति दृष्टि रोगी मैंने डाक्तरखाना जावा संभव हो पारना। आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नवकिशोर दास लोकसेवा भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया उच्चस्तरीय बैठक कर सब जिलार मुख्य चिकित्सा अधिकारी यही सेवा जोगाइदे निर्देश देते। तेब प्राथमिक पर्यायर 41 स्थान में जोगाइदे निष्पत्ति। तेब आसंता 20 तारिखर यह स्वास्थ्य सेवा आरंभ हो। तेब परवर्ती खबर टी प्रवासी श्रमिकों को मिल पारे बीमा कवर। प्रवासी श्रमिक मानू केन्द्र सरकार बीमा कवर तथा ठिका श्रमिकर स्टाटस देवाई प्रयास आरंभ कर जमापड़े। श्रम संपर्कित संसदर स्थायी कमिटी चलित मस शेष सुधा प्रवासी श्रमिक मान समस्या को दृष्टि रखी रिपोर्टे किसी गुरुत्वपूर्ण सुपारिश कर सरकार को प्रदान करेंगे। संसदर मौसुमी अधिवेशन ए बाबद बिल आगत कर संभावना रही। श्रम कमिटी प्रवासी श्रमिक मान ठिका श्रमिकर मर्यादा स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा भली सुविधा जोगाइदे सुपारिश कर सूत्र जमापड़े। तेब एतद व्यतीत प्रवासी श्रमिक मान सामाजिक और आर्थिक सुरक्षापी स्वतंत्र पांठि व्यवस्थापी कमिटी सुपारिश कर जमापड़े। तेब यही उल्लेख्य लॉकडाउन समय प्रवासी श्रमिक मान एकाधिक समस्या को नहीं विभिन्न महल चिंता व्यक्त करवर्त समय लॉकडाउन जो देशर विभिन्न सहर फेरी प्रवासी श्रमिक मान केन्द्र सरकार गरीब कल्याण योजना अंतर्गत रोजगार जोगाइदेवार व्यवस्था करते। परवर्त खबर कोरोना योद्धा नाम प्रकाश पाई परिवार अनुमति आवश्यक। कोरोना संक्रमितों परिचय बाहर प्रकाश नक हाइकोर्ट आज निर्देश देते। ए संपर्क दायर मामल में शुणी कर हाइकोर्ट कोरोना संक्रमित मानकर परिचय प्रकट नक निर्देश देते। ए सरकार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करेंगे बोली हाइकोर्ट स्पष्ट करते। प्रसंगे गणमाध्यम दायित्व उपर हाइकोर्ट गुरुत्वारोप करते। कोरोना योद्धा नाम पर अनुमति नहीं सर्वसाधारण प्रकाश करने अनुमति दिजा आवश्यक बोली। तेब यह सहित यह प्रसंगे गणमाध्यम दायित्व उपर हाइकोर्ट गुरुत्वारोप करते। तेब सोशल मीडिया अनेक समय कोरोना संक्रमित मानकर परिचय ओ अन्य तथ्य प्रकाश पाते बेले हाइकोर्ट यही प्रसंग को गुरुत्वर सहित ग्रहण करने को सरकार को निर्देश देते। परवर्त खबर टी बैषयिक शिक्षा अनुष्ठान अगस्ट 15 शिक्षा वर्ष
कोविड 19 संक्रमण को दृष्टि रखी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बा AICTE पक्षरु शिक्षा कैलेंडर को संशोधित कर मे 15 तारीख रु आरंभ होबा को थिबा शिक्षा वर्ष अगस्त 15 रु आरंभ करबा को निष्पत्ति निया जायछि। तेबे एने गत सप्ताह रे AICTE विज्ञप्ति जारी करबा सहित अधीन रे थिबा समस्त विश्वविद्यालय ओ शिक्षानुष्ठान एहा को पालन करबा को निर्देश दिया जायछि। तेबे ताहा को आधार करी राज्य दक्षता विकास ओ वैषयिक शिक्षा विभाग प्रस्तुति आरंभ करिछि। तेबे किभलि ओ केउ आधार रे शिक्षानुष्ठान छात्र छात्रि को शिक्षादान करा जिवो से ने आलोचना मध्ये करा जिवो। तेबे दक्षता विकास ओ वैषयिक शिक्षा मंत्री प्रेमानंद नायक कहिछन्ति अगस्त 16 पर इंजीनियरिंग कॉलेज गुडी को खोलिबा AICTE मध्ये कहिछि। ते परवर्ती खबर टे होछि भुवनेश्वर को फेरिला लॉकडाउन। आज ठारु कटकणा कडाकडी 42 जगार नाकाबंदी। सप्ताहत सटडाउन नुहे भुवनेश्वर को फेरिला लॉकडाउन। केतेक निर्दिष्ट जरूरीकालीन सेवा छड़ा अन्य समस्त कारबार उपर लागिला कटकणा। सकाळ 6टा रु अपरण गोटाए पर्यंत केवल अत्यावश्यक सामग्री छाड़ीदे समस्त दुकान बंद रहिब। सरकारंकर एभळी घोषणा आसंता काली ठारु लागू हेबाकू जाउछि। तेणु एथिपई पुलिस व्यापक प्रस्तुति आरंभ करिछि। पूर्वरु सरकारंकर घोषणा को लोकमाने मानुनथिबा देखा जाइथिला। एणु एथर कमिशनरेट पुलिस कठोर हेबाकू स्थिर करिछि। कौनसी परिस्थिति रे अण स्वीकृतिप्राप्त गाड़ी को न छाड़िबा पई कड़ा निर्देश दिया जाइछि। तबे केवल स्वास्थ्यगत विवाह ओ अन्यान्य जरूरीकालीन कामरे स्वीकृति नै बाहर को बाहरिबा पई परामर्श दिया जाइछि। तबे पूर्वरु थिबा डायल 100 मध्ये काम करिबो। अति जरूरी सेवा पई भुवनेश्वर रे लोकमाने एही सेवा सुविधा नहीं पारे। ते परवर्ती खबर टी होची दूति चांद कर बड़ सफलता। ओडिशा आथलेट दूति चांद को केते टंका दिया जाउची तार हिसाब देइछंती सरकार। एने राज्य सरकार को क्रीडा और युव व्यापार विभाग दूति को मिलता सहायता नहीं आर्थिक बरणी देते। तेरे 2018 एशियन गेम्स रे पदक जीति थी वारु 3 कोटी भत्ता मिली। 2015-2019 पर्यंत अभ्यास और आर्थिक सहायता पर 30 लाख टंका मिली। टोकियो ओलंपिक्स प्रस्तुति पर 50 लाख टंका 2टी किस्ती रे दिया जाइछि। या सहित ओएमसी रे ग्रुप ए ऑफिसर भाव में चाकरी मिली। ओएमसी रे चाकरी पर दूति चांद मासिक 84,604 टंका पाउछंती। ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता पर ओएमसी 29 लाख टंका देछि। 2015 ए जापत 4.9 कोटी टंका दिया जाइथिबा कहिछि विभाग। तेबे सूचना अनुसार दूति तांकर BMW कार को बिक्री करबा नै फेसबुक रे पोस्ट करथिले। निजर ट्रेनिंग खर्च करबा पई से कार को बिक्री करबा को चाहुथिले। एने सोशल मीडिया रे कार फोटो अपलोड करबा सहित आशाई ग्राहक तांकु मेसेज करि परिबे बोली लेखिथिले दूति। ते एहा परे डिलीट करि दैछंती। पर एही खबर बेस चर्चा रे विषय पलटि जाइथिला। ते परवर्ती खबर टी होछि आसुछि एही नुवा व्यवस्था जणा पड़िबो औषध नकली ना असली। औषध असली ना नकली जानिबा पई आसुछि एक नुवा कौशल। एहा द्वारा ग्राहक ठके हेबार वंचित हेबानै आशा प्रकाश करा जाउछि। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार सब औषध सामग्री प्याक उपरे रहिबो क्विक रेस्पोन्स बा QR कोड। एहा द्वारा केउ औषध असली केउटी नकली ताहा ग्राहकंकु जानिबारे सहायक हेबो। एही कोड औषध केउठारु आसुछि ताहा उपरे नजर रखिबा सहित नकली औषध सामग्री रे उपलब्धता कम करिबो। एपरि एक नुवा व्यवस्थार कार्यकारिता उपरे केन्द्र सरकार विचार विमर्श करुछन्ति। तेणु एथिपई एक कमिटी गठन करा जाउछि। ते परवर्ती खबर टी होछि अमेरिका फ्रांस सहित एयर बबल्स घोषणा कला भारत। आसंता काली ठारु उड़ाण करिबो विमान। फ्रांस एवं अमेरिका सहित एयर बबल्स घोषणा करिछि भारत। एयर बबुल हेउछि एक द्विपाक्षिक व्यवस्था जहाद्वारा किछि नियम एवं प्रतिबंधक सहित दुई देशर विमान कंपनी आंतर्जातिक विमान चलाचल करिपरिबे। एबे भारत फ्रांस एवं अमेरिका सहित एही द्विपाक्षिक चुक्तिनामा स्वाक्षर करिछि। एही द्विपाक्षिक चुक्तिनामारे भारतरु एही दुई देशकु आंतर्जातिक विमान चलाचल आरंभ हेबा सहित दुई देशरु विमान भारतकु उड़ाण करिपारिबो। आसंता काली ठारु एही दुई देशकु विमान उड़ाण करिबो बोली कहिछन्ति बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री हरदीप सिंह पुरी। या सहित जर्मनी एवं ब्रिटेन को विमान चलाचल आरंभ करने समान व्यवस्था चली से कहते। ते परवर्ती खबर टी हूँ आसाम में बन्या मृत्यु संख्या 71 को वृद्धि। आसाम में बन्या स्थिति संगीन रही। गुरुवार आहरी 5 जन मृत्यु घटा फल राज्य में बन्या जनित मृत्यु संख्या 71 में पहुंची। 27 जिलूर प्राय 40 लाख लोक बन्या द्वारा प्रभावित होती। यह व्यतीत बन्यार 76 वन्यप्राणी मृत्यु होगा सहित 121 प्राणी को उद्धार कर 2200 ऊर्ध गंडा बासस्थान विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा जातीय उद्यानर 95% जलानव हो। तेबे यह व्यतीत विभिन्न स्थान में भूस्खलन हो अन्य 26 जन प्राण हर। ब्रह्मपुत्र समेत 7 अधिक नदी विपद संकेत उपर प्रवाहित हो। परवर्ती खबर टी मानव शरीर में द्वितीय कोविड टीका परीक्षा आरंभ। भारतर द्वितीय कोविड टीका जिकोव डी मानव शरीर में परीक्षा आरंभ हो। जाइडस काडिला कंपनी द्वारा प्रस्तुत यह टीका बायोटेक्नोलॉजी विभाग आंशिक पांठि जगह। प्रथम कोविड टीका कोवैक्सीन भारत बायोटेक् पक्ष प्रस्तुत कर
तेबे एहा को मानव शरीर परीक्षा पई केंद्रीय औषध मान नियंत्रण संगठन बा सीडीएससी अनुमति प्रदान करि सारिछि। तेबे जीकोव डी टीकार प्राक क्लिनिकल परीक्षा सफल होईछि। प्रथम द्वितीय पर्याय क्लिनिकल परीक्षा रे एहार निरापत्ता सहनशीलता एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति विषय रे जणा पड़ि जीव। फेब्रुवारी मास रु एही टीका प्रस्तुति कार्य आरंभ होइथे बेले मानव शरीर परीक्षा मुख्य माइलखुंट बोली कुहा जाइछि। ते परवर्ती खबर टी होईछि ओडिसा रे आरंभ हैला प्लाज्मा थेरापी। कटक अश्विनी कोविड हॉस्पिटल रे हैला प्रथम प्रयोग। ओडिसा रे प्लाज्मा चिकित्सा आरंभ होइथिबा परे प्रथम करि जणे 48 वर्षीय कोरोना रोगी को प्लाज्मा दिया जाइछि। तांको उपरे एबे 24 घंटा नजर रख डाक्टर कहते से सुस्थ अच्छा एवं एक सप्ताह भितर शरीर में आंटीबॉडी सृष्टि हेब। कटक एसीबी मेडिकल प्लाज्मा ब्यांक स्थापन होगा पर सुस्थ होता 4 कोरोना रोगी से ब्लड प्लाज्मा दान करते तेब यहापर अश्विनी कोविड हॉस्पिटल रे चिकित्सित होता जन 48 वर्षीय कोरोना आक्रांत देह रे प्लाज्मा प्रयोग कर बी पॉजिटिव प्लाज्मा गोटे यूनिट संप्रक्त रोगी को दिया जाए। 7 दिन पर्यंत डाक्तर पर्यवेक्षण रही रोगी जदि सबकि ठीक ठाक चले तेब प्राय सप्ताहक मध्य कोरोना विरोध लड़ाई आवश्यक आंटीबॉडी शरीर में सृष्टि हेब और रोगमुक्त हे आक्रांत। यह सकाल किसी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक तेरे यही लाटेस्ट खबर सबको आप जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित भिडियो को अधिक शेयर करूँ। धन्यवाद।